चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। महाराष्ट्र के फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार पास हो गई है। शिंदे ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत में शिंदे को 164 वोट मिले हैं। जी हां, जो बहुमत का आंकड़ा 145 था उससे कहीं ज्यादा वोट बटोरने में, सहयोग बटोरने में एकनाथ शिंदे कामयाब रहे हैं और उन्हें यहां पर एक अच्छा खासा बहुमत जो है कह सकते हैं वो मिल गया है। अधिक जानकारी के लिए करण है हमारे साथ। करण, एक अच्छा खासा बहुमत का आंकड़ा उठाया और परमानेंट सरकार बनाने की दिशा में सारे आंकड़े पेश किए विधानसभा में आज, बताइए अपडेट्स। जी बिल्कुल, अपने आप में शिंदे ने, जो एकनाथ शिंदे, उन्होंने अग्नि परीक्षा पास कर ली, क्योंकि यही जो माना जा रहा था कि किस तरीके से बहुमत साबित कर पाते या नहीं कर पाते। हालांकि पहले ही कयास लगा लिए गए थे, जब उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया था तो उन्हें पता था कि जो है कहीं ना कहीं विधायक वो सिटक गए, उनके जो है पाले में थे वो निकलकर चले गए हैं एकनाथ शिंदे के गुट में। तो तभी से ही कयास लगा लिए गए थे कि जो है एकनाथ शिंदे के लिए बहुमत साबित करना अपने आप में कोई मुश्किल बात नहीं होगी, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। इस बीच जो है विपक्ष के कई जो है जो विधायक है वो नदारद रहे। कम से कम 9 जो है विधायक बताए जा रहे हैं कांग्रेस एनसीपी समेत, उन्होंने जो है वो वोटिंग नहीं कर पाए। इसमें जो है 164 वोट जो है शिंदे के समर्थन में पड़े और जबकि 99 वोट जो है शिंदे के विरोध में पड़े। तो अपने आप में जो जो विरोध जो विपक्ष के नेता थे वो हालांकि ईडी के नारे लगा रहे थे और एकनाथ शिंदे के विरोध में नारे लगा रहे थे। इस बीच जो है फडणवीस ने खुद कहा कि हाँ हम ईडी है, यानी कि एकनाथ, ई से ई एकनाथ और डी से देवेंद्र, यानी कि ईडी की सरकार है महाराष्ट्र में। अब उन्होंने साफ तौर पर दर्शाया कि अब जो है विकास पर काम होगा और जो है अपने आप में एक जो है एक उद्धव गुट जो बन रहा था, जो शिवसेना नाम है वो भी एक तरह से अब देखना होगा कि जो शिवसेना है, क्योंकि अपने आप को देवेंद्र एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना कहते हैं, शिवसेना का नेता कहते हैं, या अपने आप को शिव सैनिक बता रहे आ रहे जब से उन्होंने बगावत करी है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले टाइम में चुनौतियां कैसी रहती है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उन्होंने ना केवल पार्टी से बगावत की है बल्कि जो एक शिवसेना का टैग था, यानी जो पार्टी का नाम था, वो भी छीनने की कोशिश करी है। तो आने वाले चुनाव में जो है उद्धव ठाकरे के लिए खाली, क्योंकि ये तो जो है सत्ता तो चली गई है राज्य से, लेकिन जो पार्टी छीनने की कोशिश की गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से शिवसेना, वो कैसे बचा पाते उद्धव ठाकरे, और आने वाले चुनाव में क्या विकल्प विकल्प के तौर पर एकनाथ शिंदे जो है एक शिवसेना का टैग लेकर जा पाएंगे आगे, या जो टैग है जो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर वो चल पाएंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पे चल रहा हूँ और मैं ही जो है असली शिव सैनिक हूँ, असली हिंदुत्व की जो विचारधारा है बाला साहेब की वो लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से जो है इस बाला साहेब की विचारधारा को आगे लेकर चल पाते हैं और क्या वो जो उद्धव ठाकरे को जो है रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि असली शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की है, सब जानते हैं बाला साहेब की बात, उन्होंने किस तरीके से संभाल संभाली, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत करी थी, एक जो है सत्ता तो अपने आप में मुख्यमंत्री तो बने बने, लेकिन जो शिवसेना जो छीनने का प्रयास है वो भी कर रहे हैं। करण, अशोक चौहान जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी गैर मौजूदगी भी काफी सवाल खड़े करती है कि क्या कोई घर का भेदी ही लंका डाला है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो है खुद जो है एक बगावती, जैसे जब वोटिंग हुई थी एक जो है एक विधायक ने और बगावती तेवर दिखा के जो है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के गुट में जो है वो शामिल हो गया था, और हमने जब राज्यसभा में हरियाणा में जो वोटिंग हुई थी तब हमने देखा, तो ऐसे जो है लंका भेदी जो है वोटिंग के दौरान जरूर निकलते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो है फायदे के लिए, या कह लीजिए जहाँ मजबूत है पार्टी, जहाँ उन्हें फायदा मिलता है, उस तरफ जरूर जो है कदम बढ़ा के ये विचारधारा का ये जो है बात कह लीजिए, क्योंकि कई जो है नेता जो है पहले से नाराज थे, जो है खुलकर नाराजगी तब आई जब एकनाथ शिंदे ने बगावत जो है खुलकर करी। तो कहीं ना कहीं जो कहना है, जो विधायकों का कहना है कि जो उद्धव ठाकरे है वो हिंदुत्व की जो विचारधारा है, बाला साहेब की विचारधारा है, वो समझौता कर रहे थे कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करके, तो वो जो है विधायक जो नाराज थे, क्योंकि लंबे समय तक विधायकों ने बीजेपी के नेताओं के साथ जो है गठबंधन में काम किया है और काफी साल से जो है गठबंधन था बीजेपी से, और हिंदुत्व की जो है पार्टी कहा जाता है शिवसेना को, उसके बाद जो है एनसीपी यानी कि महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस और जो जब तीनों का गठबंधन में सरकार बनी थी, तो एक तरह से जो विधायक और जो नेता है छोटे वो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं समझौता किया हिंदुत्व की विचारधारा से, बाला साहेब की विचारधारा से, तो ये तो लाजमी था कि इस समय ठीक है करण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां।